नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है, इमाम हुसैन को क्या करना चाहिए था। कॉलम निगार है यासिर पीरजादा और आवाज है मलीहा अमीन की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। चंद किताबें जो हमेशा मेरी साइड टेबल पर मौजूद रहती हैं, उनमें से एक मौलाना मौदूदी की खिलाफत व मलूकियत है। शुक्र है कि ये किताब कभी स्कूल के निसाब का हिस्सा नहीं रही, वरना आजकल के किसी महापुरुष ने इस पर भी पाबंदी लगवा देनी थी। हर साल 9-10 मुहर्रम को मैं जिन किताबों को दोहराई की गर्ज से पढ़ता हूँ उनमें तारीख, तबरी और खिलाफत व मलूकियत शामिल है। मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि हजरत जैद बिन अली इमाम हुसैन के पोते थे। उस वक्त हशाम बिन अब्दुल मलिक की हुकूमत थी जो यजीद सानी का भाई था। हशाम ने अपने इराक के गवर्नर खालिद बिन अब्दुल्ला को माजूल करके तहकीकात शुरू करवाई तो इस सिलसिले में गवाही के लिए हजरत जैद को मदीने से कूफे बुलाया गया। ये एक तारीखी लम्हा था। एक तवील अरसे के बाद अहले बैत का कोई मुमताज फर्द इसी शहर में आ रहा था जहां 60 बरस पहले इमाम हुसैन तशरीफ लाए थे। हजरत जैद की आमद की खबर से गोया पूरे कोफे में भौचाल सा आ गया और लोग परवानों की तरह आपके गिर्द जमा होने लगे। उन लोगों ने हजरत जैद को यकीन दिलाया कि कोफा में 1,00,000 आदमी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं और 15,000 आदमियों ने बैत करके बाकायदा अपने नाम भी उनके रजिस्टर में दर्ज करा दिए। इस असना में के खुरूज की तैयारियाँ अंदर ही अंदर हो रही थी, उमूवी गवर्नर को इसकी इत्तला पहुंच गई। हजरत जैद ने ये देखकर कि हुकूमत खबरदार हो गई है, सफर 122 हिजरी 740 ईस्वी में कबल अस वक्त खुरूज कर दिया। जब तसादुम का मौका आया तो कूफा के लोग उनका साथ छोड़ गए। जंग के वक्त सिर्फ 218 आदमी उनके साथ थे। दौरान जंग अचानक एक तीर से वो घायल हुए और उनकी जिंदगी का खात्मा हो गया। खिलाफत और मलूकियत सफा 267। इस वाकये की तफसीलात पढ़ें तो यूं लगता है जैसे वाकया करबला दोहराया गया हो। वही कूफे वाले, वही उनके अहदो पैमा, वही अहले बैत और वही उनका शौक शहादत। इमाम हुसैन जब कूफे के लिए रवाना हुए तो उन्हें भी जमीनी हकायक समझाए गए और बताया गया कि उनके लिए ये मुहिम बेहद खतरनाक साबित होगी। जो लोग इमाम हुसैन पर ये कहकर तंकीद करते हैं कि ये इक्तदार की जंग थी, वो इस किस्म का एतराज करते हुए ये बात फरामोश कर देते हैं कि इमाम आली मकाम को अच्छी तरह इल्म था कि वो जिस मकसद के लिए निकले हैं उसके लिए उन्हें क्या कुर्बानी देना पड़ सकती है। कूफे के सफर में एक से ज्यादा मर्तबा ऐसा मौका आया जब इमाम हुसैन के पास ये ऑप्शन मौजूद था कि वो बाहिफाजत वापस जा सकते थे, मगर उन्होंने ये बात कबूल नहीं की। हुर ने भी उन्हें ये पेशकश की थी कि वो वापस चले जाएं, मगर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने ये कहकर इनकार कर दिया कि नहीं, खुदा की कसम नहीं, मैं किसी इहानत आमेज अंदाज में बैत करूंगा और ना ही किसी गुलाम की तरह मैदान छोड़कर भागूंगा। दूसरी बात जो ज्यादा गौर तलब है ये कि यजीद के इक्तदार पर विराजमान होने के बाद इमाम हुसैन को क्या करना चाहिए था। क्या उन्हें खामोशी से यजीद की बैत कर लेनी चाहिए थी? क्या इस तरह बैत करने से यजीद की हुक्मरानी को कानूनी जवाज ना मिल जाता और क्या ये बात दुरुस्त होती? क्या यजीद की नामजदगी और उसकी हुक्मरानी इस्लामी खिलाफत के मुजव्वजा उसूलों की रूह से कानूनन दुरुस्त और जायज थी? इन सवालात पर सदियों से बहस जारी है और जाहिर है कि इस बहस को 4 सत्रों में यहाँ समेटना मुमकिन नहीं। मौलाना मौदूदी ने अलबत्ता इस बहस का कलेजा निकाल कर रख दिया और लिखा कि उन इमाम हुसैन की जिंदगी में और उनके बाद सहाबा और ताबईन में से किसी एक शख्स का भी ये कौल हमें नहीं मिलता कि उनका खुरूज नाजायज था। दरअसल ये बात ही नवासा रसूल की शान के खिलाफ थी कि वो एक नाजायज हुकूमत के खिलाफ आवाज ना उठाते। कूफा वाले उन्हें खत लिखते या ना लिखते, उनसे पैमान तोड़ते या निभाते, इमाम हुसैन ने हर हाल में हक सच का ही साथ देना था। यही वजह है कि वो हर किस्म के नताइज और जमीनी हकायक का इदराक रखने के बावजूद कूफे तशरीफ ले गए। बाकी तारीख है।
दुनिया में जुल्म, जबर और फस्ताइयत के खिलाफ डट जाने का अगर कोई मॉडल है तो वो इमाम हुसैन का है। इस रास्ते पर चलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इस रास्ते में बदतरीन दुश्मनों से वास्ता पड़ता है। इन दुश्मनों को प्यास से बिलकते हुए शीरख्वार बच्चे पर कोई रहम आता है और ना कत्ल करने के बाद लाशों की बेहुर्मती पर कोई मलाल होता है। इमाम हुसैन का सर सनान बिन अनस ने काटा और खौली बिन यजीद के हवाले कर दिया। जंग के बाद खौली अपने घर चला आया। उसकी औरत ने पूछा, क्या लाए हो? खौली ने कहा, तमाम दुनिया की दौलत तेरे पास लेकर आया हूँ, तेरे खेमे में हुसैन का सर लेकर आया हूँ। उसने कहा, लानत है तुझ पर, लोग सोना चांदी लेकर आए और तू रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद का सर लाया है। तबरी जिल्द 4। 60 बरस बाद तारीख फिर दोहराई गई। इमाम हुसैन के पोते हजरत जैद का सर काटकर हशाम के पास भेजा गया और ये सर दमिश्क में उसके दरवाजे के बाहर लटका दिया गया। मैं एक गुनाहगार मुसलमान हूँ, जो थोड़ी बहुत तौफीक अल्लाह ने मुझे दी है उसकी वजह से कभी कभार कोई नेकी भी सरजद हो जाती है। अलबत्ता ताहाल खाना खुदा की जियारत से महरूम हूँ, अभी तक बुलावा नहीं आया, लेकिन जब भी मौका मिला तो खुदा के घर की जियारत करने और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर के दरबार में हाजिरी देने के बाद करबला भी जाऊंगा, वो मिट्टी देखने जहां नवासे रसूल का खून बहा था। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। हमारे कंटेंट से मुतालिक अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।